जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र कल हमने सुना था भगवत दर्शन की उत्कंठा के विषय में। पूज्य बाबा के पत्रों को पढ़कर जो उन्होंने भगवान के लिए लिखे थे, आइए अब उससे आगे सुनते हैं। संन्यास की पूर्व भूमिका। सन 1931 ईस्वी में जब दूसरी बार पूज्य बाबा जेल से बाहर आए तो उनके अग्रज भ्राता उन्हें कलकत्ता ले गए। वहां उन्होंने उनका नाम सोहरावर्दी बेगम मेमोरियल स्कूल की नवी कक्षा में लिखवा दिया। सन 1934 ईस्वी में पूज्य बाबा ने मैट्रिक परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इसके पश्चात उन्हें रिपन कॉलेज सुरेंद्रनाथ महाविद्यालय की इंटरमीडिएट में भर्ती कराया गया। कलकत्ता आने के पूर्व राजनीतिक एवं सामाजिक कार्य करते समय कार्यकर्ताओं के मध्य स्पर्धा, वैमनस्य, आपाधापी, स्वार्थ सिद्धि एवं आत्मश्लाघा आदि देखकर पूज्य बाबा को घोर निराशा मिली थी। कलकत्ता आने के पश्चात आत्मीय कहलाने वाले स्वजनों के मध्य भी वही सब बातें मिली। स्वजन वर्ग से उन्हें प्रवंचना और प्रतिकूलता अधिक मिली। उन्होंने जिन जिन व्यक्तियों को अपना निकट से निकट माना, उन अभिन्न हृदय व्यक्तियों ने भी उनके विश्वास को आघात ही पहुंचाया। पूज्य बाबा केवल अपने अग्रज बंधु श्री देवदत्त जी एवं श्री तारादत्त जी मिश्र तथा दो अन्य जनों के अतिरिक्त सभी से बहुत ही निराश थे। लोगों से मिलने वाली प्रवंचना एवं प्रतिकूलता ने उनके मन को विरक्ति के भावों से भर दिया। यह विरक्ति भावना दिन प्रतिदिन अधिकाधिक बढ़ती ही चली गई। इधर एक घटना और हुई जिससे उनका हृदय कांप उठा। हाय, इतना घोर अघपतन, ऐसा कठिन कलिकाल, अपने चारों ओर स्वार्थ परायणता और अनैतिकता की घोर आंधी देखकर पूज्य बाबा का मन सर्वथा विरक्त हो गया। एक विधवा स्त्री ने पर पुरुष की इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपने वयस्क पुत्र को विष दे दिया। वह पर पुरुष पहले तो उस विधवा स्त्री से विष दिलाने का आग्रह कर बैठा, फिर उसकी अंतरात्मा जब उसे बहुत धिक्कारने लगी तो वह यह रहस्य उस बच्चे के सन्मुख खोल बैठा। परंतु बच्चे ने उसे यही उत्तर दिया कि यदि मेरी जन्मदात्री माता ही मुझे अपने मार्ग में कंटक समझकर मारना चाहती है तो फिर मेरे जीवन से ही क्या लाभ। उसने सहर्ष माँ का दिया हुआ विष स्वीकार कर लिया। पूज्य बाबा को इस घटना से अत्यधिक दुख हुआ। वे विचार करने लगे, हाय, इतना घोर अघपतन, ऐसा कठिन कलिकाल, अपने चारों ओर स्वार्थ परायणता और अनैतिकता की प्रबलता को देखकर पूज्य बाबा का मन जगत से उचट गया। जगत के इन कटु प्रसंगों ने ऐसी पृष्ठभूमिका का निर्माण कर दिया जहां पूज्य बाबा के पूर्व जन्म की संचित साधना स्वतः प्रस्फुटित हो उठी। भीतर तो अंगारे की अग्नि धधक ही रही थी, मात्र ऊपर ही थोड़ी सी राख आ गई थी। उस राख को इस प्रतिकूलता की वायु ने उड़ा दिया। अंगार चमक उठा। पूज्य बाबा अपने हृदय के भावों को लिखकर प्रतिदिन रात्रि को भगवान को अर्पण किया करते थे। इसके पीछे उनका यही भाव रहता था। पूज्य बाबा का पत्र लेखन का कार्य लगभग 2.5 वर्ष तक निरंतर चलता रहा। एक बार ध्यान करके जब पूज्य बाबा ने पत्र अर्पित किया तो बहुत ही मधुर स्वर में उन्हें अंतर में गूंजती ध्वनि सुनाई पड़ी, तुम संन्यास ले लो, तुम्हारे संपूर्ण दुखों एवं अशांति का सदा के लिए नितांत अभाव हो जाएगा। यह वाणी लौकिक नहीं थी, उन्होंने संन्यास लेने का निर्णय कर लिया। पूज्य बाबा के ताऊ के पुत्र बड़े भाई थे श्री देवदत्त जी मिश्र। ये बहुत ही उदार मना साधु पुरुष तथा संस्कृत के उद्भट विद्वान थे। इनके संरक्षण में पूज्य बाबा ने छहों दर्शन का अध्ययन किया
उपनिषदों के शांकर भाष्य तथा ब्रह्म सूत्र भी इन्हीं के सानिध्य में पूज्य बाबा ने पढ़े थे। पूज्य बाबा प्रायः गीतोपनिषद भाष्य का स्वाध्याय करते रहते थे। वे सदा अपने विचारों में ही निमग्न रहते। उनकी मननशीलता बढ़ती गई। उनके आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन आ गया। कभी कभी श्री तारा दत्त जी मिश्र उनसे इस प्रकार गंभीर रहने का कारण भी पूछते तो पूज्य बाबा मात्र मुस्कुरा देते। वे अपने मन की असली उथल पुथल किसी के सामने व्यक्त नहीं करते थे। श्री देवदत्त जी घर में सभी की सुख सुविधा का ध्यान रखते थे। वे पूज्य बाबा पर अतिशय वात्सल्य भी रखते थे। वे ही सम्मिलित घर के सभी बालकों की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करते, आय के साधनों को जुटाते, परिवार में उत्पन्न किसी भी गतिरोध कलह को सुलझाते एवं विवाह शादी सभी व्यवहारों का निर्वाह करते थे। पूज्य बाबा ने सर्वप्रथम सूचना इन्हीं को दी, भैया प्रभु की इच्छा से मैं गृहस्थ जीवन का संसार का परित्याग करके संन्यास लेने का विचार कर रहा हूँ। श्री देवदत्त जी से यह सूचना सहोदर बड़े भाई श्री तारा दत्त जी ने भी सुनी। संन्यास की सूचना भाइयों के लिए वज्रपात ही थी। दोनों भाई अवाक हो गए। कुछ देर तक तीनों परस्पर एक दूसरे को देखते हुए चुप थे। अंततः श्री देवदत्त जी ने मौन तोड़ा। वे कहने लगे, चक्रधर यह तुम क्या पागल की तरह प्रलाप कर रहे हो? क्या ऐसा सोचना और कहना उचित है? चित्त को शांत और स्थिर करो। अभी तुम निरे अबोध बालक हो। तुम्हारी अवस्था संन्यास धर्म के योग्य नहीं है। परंतु दोनों भाई यह भी अच्छी तरह जानते थे कि चक्रधर यदि एक बार निर्णय लेता है तो वह लोहे की लकीर ही होती है। पूज्य बाबा ने यही उत्तर दिया कि उनका यह अंतिम निर्णय है। पूज्य बाबा की बात सुनकर भाइयों के हृदय आशंका से भर गए। उन लोगों को ज्ञात था कि चक्रधर कभी अनर्गल बात अपने मुंह से नहीं निकालता और जो वह कहता है उसे करके ही रहता है। छोटे भाई चक्रधर के निर्णय की जानकारी होते ही बड़े भाई सोचने लगे कि इस समय इसकी आयु मात्र 22 वर्ष है। ऐसी कच्ची आयु में इसका संन्यास व्रत कैसे निभेगा? इसको कैसे समझाया जाए कि मन की वासनाओं का वेग कितना विकट हुआ करता है? गांव में घर पर इसकी पत्नी है, माताजी है, पिताजी हैं। इस समाचार से उन सभी पर क्या बीतेगी? अभी तो इसने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की है। संन्यास का निर्णय लेकर चक्रधर ने तो बड़ा ही अविवेकपूर्ण कार्य किया है। चचेरे बड़े भाई श्री देवदत्त जी ने पुनः बड़े प्यार से समझाते हुए पूज्य बाबा से कहा, तुम्हारे लिए संन्यास धर्म कठिन पड़ेगा। संसार के भोगों की क्षण भंगुरता एवं निरर्थकता का सच्चा अनुभव एक भुक्त भोगी को ही हो पाता है। जिसे ऐसा अनुभव नहीं हो पाता उसका वैराग्य क्षणिक हुआ करता है। जिसने आवेश में आकर संन्यास ले लिया है वह भविष्य में काम क्रोध आदि विकारों के वशीभूत होकर यदि अपने पथ से च्युत होता है तो ऐसे पथ भ्रष्ट सन्यासी के धर्म और परमार्थ तो सिद्ध होते ही नहीं, उसका लोक भी बिगड़ जाता है। इसलिए ऋषियों ने यह मर्यादा निर्धारित की है कि मनुष्य को 3 आश्रमों के सोपान को पार करने के पश्चात ही संन्यास स्वीकार करना चाहिए। इतना ही नहीं, महज जनों का यह भी कथन है कि घर पर माता पिता के जीवित रहते युवक पुत्र को संन्यास नहीं लेना चाहिए। सभी ने बहुत प्रयास किए कि पूज्य बाबा संन्यास के विचार का परित्याग कर दें, किंतु सभी के सारे प्रयास व्यर्थ थे। पूज्य बाबा का निश्चय अडिग था। स्वजन स्नेहियों अथवा मित्रों की ओर से जब जब ममत्व भय प्रलोभन दबाव अथवा सुझाव के रूप में जो जो भाव लहरियां आती थीं पूज्य बाबा के लोहे के लठ जैसे निर्णय से टकराकर बिखर जाती थीं। बड़े भाई तारा दत्त जी ने देखा कि पूज्य बाबा अपने निश्चय पर अटल हैं तो उन्होंने घर पर पूज्य माताजी पिताजी को उनके संन्यास लेने की सूचना भेज दी। गांव के लोग इस समाचार से व्यथित होने स्वाभाविक ही थे। सूचना मिलने पर माता पिता कलकत्ता आने को तैयार हो गए। माता पिता कलकत्ता आने वाले हैं
यह जानकारी होते ही पूज्य बाबा ने उन्हें आने से मना करवा दिया। पूज्य बाबा का इतना ही कहना था, यदि आप लोग बाधा देंगे तो फिर मैं बिना सूचना दिए लापता हो जाऊंगा, अन्यथा मुझसे संबंधित सभी जानकारियां आप लोगों को समय समय पर मिलती रहेंगी। श्री तारादत्त जी ने आध तज ही बुध सर्वस जाता की नीति का अनुसरण करते हुए माता पिता को कलकत्ते न आने के लिए गांव पर लिख दिया। पत्र मिलने पर माता पिता को अपना हृदय वज्र की तरह कठोर बनाना पड़ा। उनके हृदय की सारी कोमलता कराह रही थी, परंतु वे निरुपाय थे। विवश होकर उन्होंने कलकत्ते जाने का विचार स्थगित कर दिया। संन्यास ग्रहण। वैराग्य में कितना आनंद है, इसे वही पुरुष जान सकता है जिसके हृदय में प्रभु के पाद पद्मों में प्रीति की सच्ची इच्छा उत्पन्न हो गई हो। जिसे सांसारिक विषय भूख काटने के लिए दौड़ते हों, वही वैराग्य में महान सुख का अनुभव कर सकता है। जिसकी इंद्रियां सदा विषय भोगों की ही इच्छा करती रहती हैं, जिसका मन सदा संसारी पदार्थों का ही चिंतन करता रहता है, वह भला वैराग्य के सुख को समझ ही कैसे सकता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, देहांस्ति मांस रुधिरे भीमतिम तेजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंच पश्चा निशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। अस्थि मांस और रुधिर आदि पदार्थों से बने हुए शरीर के प्रति अहमता त्याग दें। स्त्री पुत्र तथा कुटुंब परिवार वालों में ममता नहीं रखें। इस क्षणभंगुर संसार की वास्तविक स्थिति को समझते हुए वैराग्य से प्रेम करने वाले बनकर सदा भक्ति निष्ठ हुए जीवन बिताएं। उस दिवस शारदीय पूर्णिमा थी। यह ही वह भाग्यवान दिवस था जब पूज्य बाबा ने संन्यास दीक्षा ली थी। संन्यास का अर्थ है अग्नि स्वरूप जीवन। पिछले जीवन का सब कुछ ज्ञान अग्नि में जलाकर स्वयं अग्नि रूप हो जाना, यही इस महान व्रत का आदर्श है। संसार की सर्वथा उपेक्षा करके जीव मात्र में मैत्री भाव रखें, संपूर्ण संसारी संबंधों एवं परिग्रहों का परित्याग करके भगवन निष्ठ हुआ वैराग्य राग रसिक होवे। सत्व गुण स्वरूप स्वच्छ वस्त्रों को भी परित्याग कर तीनों गुणों से ऊपर उठ त्रिगुणातीत हुआ एकमात्र परमात्मा में सदा स्थिर रहे, नारायण के अतिरिक्त किसी अन्य को देखे ही नहीं। सन्यासी का कौन सा नाम, वह तो नाम रूप से रहित हो जाता है। पूज्य बाबा ने संन्यास दीक्षा लेने के लिए अपने अग्रज भ्राताओं को राजी कर ही लिया था। जिस प्रकार नवागत वधु से मिलने के लिए अनुरागी युवक बेचैनी के साथ रात्रि होने की प्रतीक्षा करता है, उसी प्रकार पूज्य बाबा संन्यास धर्म में दीक्षित होने के लिए चतुर्दशी तिथि की रात्रि के अंत होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा करते रहे। उस रात्रि में पूज्य बाबा को निद्रा सर्वथा नहीं आई, ध्यान एवं ब्रह्म विचार में ही उनकी रात्रि गुजरी। इतने में ही पक्षियों ने अपने कोमल कंठ से भांति भांति के स्वरों में गायन आरंभ कर दिया। अरुणोदय से पूर्व ही नित्य कर्म से निवृत्त हो पूज्य बाबा भगवती गंगा के तट पर संन्यास ग्रहण करने की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए चले गए। पूज्य बाबा ने जो संन्यास दीक्षा ली उसके साक्षी भगवान शंकर थे। प्रातः सूर्योदय के पश्चात पूज्य बाबा अपने अग्रजों के पास उनके वास स्थान में लौट आए। केश मुंडन के लिए वहीं नापित को बुलाया गया। उससे केश मुंडन को कहा गया। पहले तो उस नापित ने आनाकानी की, परंतु जब उसे दृढ़ स्वरूप में कहा गया तो उसे केश मुंडन करना ही पड़ा। दोनों अग्रज वहीं खड़े खड़े अपने पुत्र समान अनुज का शीश मुंडन देख रहे थे। वे बलपूर्वक अपने अश्रुओं को रोके थे, उनके अंतर में व्यथा की सीमा नहीं थी। केशों का मुंडन होते ही पूज्य बाबा ध्यानस्थ हो गए। अभी स्नान शेष था, परंतु बाह्य शुद्धि होने पर ही तो वह संभव हो पाता। बड़े भाइयों के मन की दशा विचित्र थी। छोटा भाई अब सन्यासी बनने जा रहा है, यह सोचकर विकलता कम नहीं थी, परंतु ध्यान की गहरी स्थिति को देखकर
एक सुखानुभूति भी कम नहीं थी। सुखानुभूति चाहे जितनी हो, विकलता का वेग बड़ा प्रबल था। थोड़ी देर बाद पूज्य बाबा को बाह्य ज्ञान हुआ। यज्ञोपवीत सूत्र का परित्याग तो संन्यास की प्रक्रिया के समय ही हो गया था। शेष मुंडन के बाद शिखा सूत्र से रहित देखकर बड़े भाइयों के अनुराग भरे नेत्र बार बार आर्द्र हो रहे थे। इसके बाद पूज्य बाबा ने स्नान किया। बड़े भाई ने अपने हाथ से गैरिक वस्त्र दिए। पूज्य बाबा के कहने पर बड़े भाई ही 2-3 दिन पहले बाजार से वस्त्र ले आए थे। इन वस्त्रों को एक दिन पहले स्वयं पूज्य बाबा ने अपने हाथों से गैरिक रंग में रंगे थे। जब बड़े भाई द्वारा प्रदत्त गैरिक वस्त्र पूज्य बाबा धारण कर रहे थे, उस समय बड़े भाई, चचेरे भाई तथा अन्य उपस्थित जनों का हृदय फटा जा रहा था। उनके नेत्र विकल हो रहे थे और स्वर रुद्ध था। सभी विवश थे और इस करुण दृश्य के मूक दर्शक बने हुए थे। संन्यास लेने के बाद पूज्य बाबा का नाम हुआ मधुसूदनानंद, किंतु यह नाम प्रचलित नहीं हो पाया। लोग उन्हें स्वामी श्री चक्रधर महाराज ही कहते रहे। भविष्य में वे श्री राधा बाबा के नाम से विख्यात हुए। संन्यास लेते ही पूज्य बाबा ने एक बड़ा ही कठोर व्रत यह ले लिया कि अब जीवन में स्त्री स्पर्श व द्रव्य स्पर्श होगा ही नहीं। अवश्य जन्मदात्री माँ इसका अपवाद रही। संन्यास धर्म के अनुसार सन्यासी को एक बार अपने माता पिता के पास जाना चाहिए। अतः संन्यास लेने के बाद वे अपने गांव गए। माता पिता को सन्यासी पुत्र के दर्शन, यह हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे। अभिनव घन दामिनी छवि बरसत बर 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 अभिनव घन दामिनी छवि सत जगमग श्रीमुख चंद्र चकोरी जगमग श्रीमुख चंद्र चकोरी श्यामा श्याम अनुपम जो नीलांबर नीलांबर पीतांबर झलकत नीलांबर पीतांबर
एकत बदन माधुरी प्राण चित चोई बदन बदन माधुरी प्राण चित चोरी बदन माधुरी प्राण चित चोरी श्यामा श्याम अनुपम जोरी श्यामा श्याम अनुपम जोरी श्यामा श्यामा सखी श्याम सखी ही ये नैन बसो नित श्याम सखी ही ये नैन बसो नित विश्व विमोहन किशोर किशोरी विश्व विमोहन किशोर किशोर श्यामा श्याम अनुपम जोरी श्यामा श्याम अनुपम जोरी अभिनव घन दामिनी छवि बरसत अभिनव घन दामिनी छवि बरसत जगमग श्री मुख चंद चकोरी जगमग श्री मुख चंद चकोरी श्यामा श्याम अनुपम जोरी श्याम